हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन पीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 26 और 27 दिसंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर का रिविजन कर लेते हैं तो दोस्तों कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस दोस्तों हर साल दिसंबर 24 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि अपने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए गूगल पे ने किसके साथ सहयोग किया है, यानी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो गूगल पे ने पे यू मनी के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों किस राज्य ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली जिसे शॉर्ट फॉर्म पे फ्रूट्स कहते हैं का अनावरण किया है, जो एक एकल मंच और कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडार बनाने के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल है। ठीक है, तो ये दोस्तों कर्नाटका राज्य के द्वारा किया गया है, जो कि एक गवर्नेंस पोर्टल है, ई गवर्नेंस, और जहाँ पे जो है किसान से सारी किसान कृषि संबंधी सारी जानकारियाँ उपलब्ध जो है कराई जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में किस संस्था के साथ सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $500 मिलियन परियोजना के हस्ताक्षर किया है। तो ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस संगठन को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व डोमेन में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में उत्कृष्ट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस उत्कृष्ट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो दोस्तों हर साल ये 25 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए, तो भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन राष्ट्रीय भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में उपलक्ष्य पर यह दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 से सुशासन दिवस की स्थापना जो है वो की गई थी। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस जो है घोषित किया गया है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य किया है। 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों के लिए था। 1998 से 1999 तक के बीच उनका कार्यकाल जो है वो 13 महीनों के लिए था, और उनका जो पूर्ण कार्यकाल था वो 1999 से लेकर के 2004 तक उनका पूर्ण कार्यकाल, और साथ ही साथ उनका तीसरा प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल। संसद में उनका पहला प्रवेश दोस्तों 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था। वो 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित जो है किया गया था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, डीजी बॉक्स भारत का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म जिसे किस इकाई द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, डीजी बॉक्स इज एन इंडिया ओन्ड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई विच एंटिटी। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा डीजी बॉक्स को लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम जो है डीजी बॉक्स कहा गया है। ठीक है, यह क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवा डेस्कटॉप iOS और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें दोनों नियमित उपयोगकर्ताओं के साथ साथ व्यवसाय भी शामिल होगा। ठीक है, डीजी बॉक्स जो है वो केवल ₹20 में प्रति माह 20 GB क्लाउड स्टोरेज स्पेस जो है यूजर्स को प्रोवाइड कराएगा, और जो कि शुरुआत में 100 GB स्पेस जो है फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, डीजी बॉक्स जैसे बेसिकली उससे क्लाउड स्टोरेज है, जैसा कि आपने गूगल स्टोरेज देखा होगा उसी की तरह ये डीजी बॉक्स भी है। ठीक, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, उस फर्म का नाम बताइए जिसने बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा मूवर्स और शेकर 2020 रैंकिंग में सीड्स स्थान हासिल किया है। ठीक है, जिसके हाल ही में विजिकी ने जारी किया है। ठीक है, नेम द फर्म विच हैज टॉप द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर 2020 रैंकिंग रिलीज रिसेंटली बाय विजिकी। ठीक है, तो दोस्तों HDFC बैंक ने जो है इस विजिकी के लिस्ट के द्वारा जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए, तो HDFC बैंक ने देश में 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और ये जो लिस्ट है ये मूवर्स एंड शेकर 2020 रिपोर्ट के अनुसार दी गई है। ठीक है, कोरोना वायरस महामारी के बीच HDFC बैंक ने अपने ग्राहक सेवा, मौद्रिक प्रबंधन और नवीन पेशकश के कारण जो है यह स्थान जो है
प्राप्त किया। ठीक है, वहीं अगर बात करें दूसरे और तीसरे स्थान की, तो ICICI बैंक और SBI बैंक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो SDFC बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, और SDFC के MD और CEO हैं शशिधर जगीधर। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि RBI ने हाल ही में महाराष्ट्र में किस स्थानीय क्षेत्र के बैंक का लाइसेंस जो है रद्द किया है। ठीक है, RBI हैज रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच लोकल एरिया बैंक इन महाराष्ट्र। तो RBI ने दोस्तों ये सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है वो हाल ही में रद्द किया है। डिटेल देख लेते हैं कि किस वजह से इस लाइसेंस को रद्द कराया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र को जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस का रद्द जो है कर दिया है। रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है क्योंकि उसने वित्तीय वर्ष 2019-2020 में दो तिमाही के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता का उल्लंघन जो है किया था। ठीक है, अब जो है इसके बाद भारत में केवल दो लोकल एरिया बैंक जो है वो चालू है, जिसका नाम है कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा भूमि समृद्धि लैब लिमिटेड। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के MD और CEO थे संजय अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया इज बींग सेटअप इन विच सिटी। तो दोस्तों ये जो है उड़ीसा के राउरकेला सिटी में स्थापित किया जा रहा है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थापित किया जा रहा है। स्टेडियम का निर्माण जो है वो बीजू पटनायक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय राउरकेला में किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी जो 15 एकड़ भूमि में फैला होगा। ठीक है, स्टेडियम को दुनिया भर के अन्य हॉकी स्टेडियम के लिए एक बेंचमार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की डिटेल भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक, राज्यपाल है यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 21, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 10 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 147। प्रमुख बांधों की बात करें दोस्तों कि हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, और इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती पर स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जल्द ही स्थापित होने वाला है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज गोइंग टू बी सेटअप सून। तो दोस्तों ये जो पहला लिथियम रिफाइनरी है वो गुजरात राज्य में स्थापित होने वाला है। डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रहा है। मणिकरण पावर लिमिटेड जो कि देश का सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है, जो इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश जो करेगी। ठीक है, रिफाइनरी बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम आयसक की प्रक्रिया करेगी। लिथियम जो है वो एक दुर्लभ तत्व है और आमतौर पर भारत में ये पाया नहीं जाता है। बात हुई दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात की एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है यहाँ के विजय रूपाणी। राज्यपाल है यहाँ के आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 182। बात करें कुछ प्रमुख राष्ट्र उद्यानों की, तो वसंधा नेशनल पार्क, गल्फ मरीन नेशनल पार्क, ये जो गुजरात में स्थित है। वहीं बात करें कुछ प्रमुख बांधों की, तो उगाई बांध जो कि तापी नदी पर स्थित है, दरोही बांध साबरमती नदी पर स्थित है, और सरदार सरोवर बांध जो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस राज्य में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, इन विच स्टेट एन 18 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन अनवील्ड। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई है। इसकी डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की राजधानी में ऐतिहासिक रिज पर 96 जयंती के अवसर पर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 18 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, ये जो प्रतिमा है वो 1.08 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। रिज मैदान में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्तियाँ भी हैं। ठीक है, और वहीं पर जो है इस मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और यहाँ के गवर्नर हैं
बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में PR Insight नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल कॉल्ड PR Insight। ठीक है दोस्तों, ये जो है पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है। डिटेल इसके देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए PR Insight नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। PR Insight का जो मूल उद्देश्य है दोस्तों, वो राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को लोगों को संतुष्टि और सावधानी पूर्वक निगरानी रखने के लिए उनकी प्रतिक्रिया को फिर से उन्मुख करना है। ठीक है, सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा PR Insight एप्लीकेशन को राज्य के सभी समाचार लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट का एक एकल रिपोजिटरी और डैशबोर्ड प्रदान करने के लिए विकसित जो है किया गया। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च अ न्यू वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ऑन गुड गवर्नेंस डे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऐप एंड पोर्टल? ठीक दोस्तों, जो हरदीप सिंह पुरी जो कि आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं, इन्होंने ई संपदा नामक एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर को पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च जो है किया है। नया आवेदन जो 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय आवासों के लिए एक आवंटन है। 28 शहरों में 45 कार्यकाल परिसर में सरकारी संगठनों का कार्यकाल जो है स्थान आवंटन है और 1176 अवकाश ग्रेड की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए एकल खिड़की प्रदान करता है। ठीक है, पोर्टल जो है भारत भर में उपयोगकर्ताओं को शिकायतों को दर्ज करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और आभासी सुनवाई के लिए प्रकट करने के लिए ऑनलाइन सुविधा जो है प्रदान करता है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों जो है ई संपदा एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पर जो उपयोगकर्ता हैं जो अपनी सारी शिकायतों को दर्ज करवा पाएंगे, सारे दस्तावेजों को प्रस्तुत करवा पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम से जो है छुटकारा वहाँ पे उन्हें मिल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे बड़ी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।